सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करें दैट इज ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम, दैट इज ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम। बेसिकली मेरे को बताना ही है इसमें कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होता क्या है एंड इसका एक प्रूफ बताना है, ठीक है। बाय चांस अगर टेस्ट में पूछ लो ऑर्थोगोनल सिस्टम तो एटलीस्ट तुम बता सको, प्रूफ कर सको कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होता क्या है। सो मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ कि मेरा एफ जेड जो है दैट इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये एफ जेड मेरा एक एनालिटिक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जो हम शुरू से पढ़ते हैं। यू को हम यू एक्स वाई बोलते हैं एंड वी को वी एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है। मैं इस यू एक्स वाई को सी वन ले रहा हूँ एंड इस वी एक्स वाई को सी टू ले रहा हूँ, ओके। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स। बेसिकली कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू, इधर से हम कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स बाय कर्ल यू बाय कर्ल वाई, सो माइनस ऑफ यू एक्स बाय यू वाई। दिस इज वैल्यू ऑफ एम वन, लेट इसकी वैल्यू को मैं एम वन ले लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स निकालूंगा v के टर्म्स में तो u की जगह मैंने v रख दिया बस, ठीक है। सो माइनस वी एक्स बाय वी वाई, दिस इज एम टू। सो ऑर्थोगोनल सिस्टम में हमें करना क्या होता है, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंस फंक्शन इज एनालिटिक सो ये cr इक्वेशन फॉलो करेगा। m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 की वैल्यू क्या ux by uy माइनस के साथ एंड m2 की वैल्यू vx by vy माइनस के साथ। अब मैं cr इक्वेशन से देखूं तो vx को मैं uy लिख सकता हूं, vx को मैं माइनस ऑफ vx को मैं uy लिख सकता हूं, है ना। सो मैंने माइनस ऑफ vx को uy कर दिया, ठीक है। एंड ux को vy एंड vy को ux, सो इसको मैं ux कर लेता हूँ, ठीक है। इस vy को मैंने ux कर लिया, अब ये आपस में कट गए, आंसर क्या है मेरा माइनस वन, माइनस वन। सो बेसिकली m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन जब माइनस वन आ जाए देन आर सिस्टम इज ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो मेरा सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा, तो मेरा सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो लास्ट प्रेजेंटेशन में मेरे को देना चाहिए था और मैं देना भूल गया। अच्छा क्वेश्चन था मिल्ले थॉम्सन से रिलेटेड, सो उसकी भी बात कर लेते थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा लगा मेरे को, मैंने कहा हाँ भाई देना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन। अब तक तो वैसे सारे एमटीएम कर चुके होंगे और तुमने ये वाले क्वेश्चन कई होने तो कर भी लिया होगा। फाइंड एफ जेड, फाइंड एफ ऑफ जेड, ठीक है। इफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। बस अभी इतना ही करो, इसके आगे मैं देना नहीं चाह रहा, अभी इतना ही करो, ठीक है। सो इसमें हम करेंगे क्या वो देख लेता, हल्का सा मैं बता देता हूँ, करना तो वैसे होमवर्क ही है पर करा मैंने इधर ही देना मेरे को, मेरा पता है ना। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सो यू एक्स एंड वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा वी एक्स, एंड इसका करेंगे तो एक्स वैसे का वैसी, सॉरी पहले यू बाई वी का फॉर्मूला आना चाहिए डिफरेंशिएशन का, वी इन डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस सॉरी माइनस u differentiation of v upon v square, ठीक है। सो x plus y वैसे का वैसी, x का differentiation 1 minus x वैसे का वैसी, इसका आ गया 1 divided by x plus y का whole square, ओके। सो ये आ गया हमारे पास, मैंने सही तो किया है, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, x square plus y square, ठीक है, ये है क्वेश्चन। सो यहाँ भी हमारा गलत हो जाएगा, फिर तो वापस देखते हैं एक बार, है ना। सो यू एक्स की वैल्यू क्या आई, सॉरी वी वैसे का वैसी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसी, एक्स का हो गया वन माइनस एक्स वैसे का वैसी, अंदर आ गया टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज यू एक्स प्लस वी एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यू वाई प्लस वी वाई दैट इज इक्वल्स टू वी वैसे का वैसी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का होगा नहीं, है ना। सो ये हो गया जीरो,
माइनस एक्स वैसे का वैसी एंड ये आया 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2yx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इतना तो हमें सबको समझ आता है, इतना तो हमें सबको समझ आता है। फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स कि ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx, ठीक है, माइनस ऑफ vx। देखो किसी एक की फॉर्म में तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किसी एक की फॉर्म में हमें कन्वर्ट जो है करना ही पड़ेगा। सो हम ऐसा कर लेते हैं, ये vy को, इस वाले vy को मैं ux बना देता हूँ बाय कॉशी रीमैन एंड इस uy को माइनस ऑफ vx में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली uy एंड vy को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो इस uy की जगह मैं डाल रहा हूँ माइनस vx एंड इस vy की जगह मैं डाल रहा हूँ ux। सो ये बन के हमारा ux माइनस vx दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2yx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सारा काम इजी है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, vx से vx कट जाए तुम्हारी u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नॉर्मल MTM जैसा बन गया, जहां रियल पार्ट दिया होता था या इमेजिनरी दिया होता था, ठीक है। सो इधर से तुम्हारा u निकल आएगा, देन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे v निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। देन एफ डैश ऑफ जेड में पुट करोगे, दैट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, यू एंड वी आ गया तो यू एक्स एंड वी एक्स भी आ जाएंगे। अब इसमें पुट करोगे देन इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड आ जाएगा। इससे पहले एम टी एम अप्लाई कर लेना, इससे पहले एफ डैश जेड के बाद हम क्या करेंगे, एम टी एम अप्लाई करेंगे। एम टी एम एक्स को किस से रिप्लेस करोगे, जेड से, वाई को रिप्लेस करोगे जीरो से, जो आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ जेड आ जाएगा, ठीक है। आई होप सबकी ये बात समझ आई होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।